गाइस ये पूरा बी ब्लॉक। वी नो दैट बेनिफिट्स ऑफ गलगोटिया यूनिवर्सिटी। हमारी गलगोटिया की खास बात है, हम तीनों के अलावा इस गलगोटिया में सिंगल आपको कोई नहीं मिलेगा। हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल, होप यू आर डूइंग वेल। तो गाइस आज मैं फिर से एक बार कोविड के बाद दोबारा कॉलेज जा रहा हूं। अभी एक पार्सल आया था मेरे पे एक मिंत्रा का, तो पहले मैं इसे ओपन करता हूं, देखता हूं इसमें है क्या। तो गाइस इसमें है ये टी शर्ट, पहले मैं ये टी शर्ट पहन के दिखाता हूँ आपको। तो गाइस ये टी शर्ट पहन के दिखाता हूँ पहले। तो गाइस ये टी शर्ट को पहन के ऐसा लग रहा हूँ, बताना आप सभी कैसा लग रहा हूँ। और ये बस जीन्स डालता हूँ ब्लैक कलर की। अभी 8:45 वैसे भी हो चुके हैं, तो मिलते हैं आप सभी को या तो बस में मिलूंगा या फिर कॉलेज में मिलूंगा। तो गाइस फाइनली मैं हो चुका हूँ रेडी। ये मतलब मैंने अभी शूज लिए थे वो पहने हैं, और ये ब्लैक जीन्स, और ये अभी बाल के लिए कुछ सेट करने के लिए है नहीं, तो इसलिए मैं ऐसे ही जा रहा हूँ। गाइस फाइनली हम निकल चुके हैं, थोड़े लेट हो चुके हैं, तो हमें नाश्ता वगैरह करने की कोई अभी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर ब्रेकफास्ट ही हम करने रुक जाएंगे तो फिर हमारा वो बस निकल जाएगी और उसमें सिर्फ 5 मिनट बचे हैं और हमें जल्दी जल्दी भाग कर जाना पड़ेगा। तो पहले मैं बस में बैठ के मिलता हूँ, क्योंकि अगर मैं बस के लिए लेट हो गया तो फिर कुछ मिलेगा नहीं, ऑटो वगैरह से जाना पड़ेगा, तो मैं पहले बस से ही जाऊँगा क्योंकि हमारे पीजी की बस। तो गाइस अभी हम बस में आ चुके हैं और यहाँ थोड़ा रश ज़्यादा है, इसलिए मैं ज़्यादा वीडियो बना नहीं रहा हूँ, क्योंकि रस में अभी किसी को आवाज़ आएगी नहीं, और ये बाहर हवा भी बहुत तेज़ चल रही है, तो इसलिए अभी कुछ आवाज़ आएगी नहीं। बस जितनी आवाज़ आ रही है बस मैं ये थोड़ा दिखा देता हूँ, ये थोड़ा ऐसा है। तो गाइस नाउ हम अपनी यूनिवर्सिटी में आ चुके हैं, ये पूरी अभी तो खाली है। अभी हम जा रहे हैं सी ब्लॉक में, क्योंकि हमें कुछ थोड़ा सा काम है पहले पीसी सर से, तो पहले वो सारे वर्क पहले पूरे करूँगा मैं सी ब्लॉक में जाकर सर से मिलकर, तो जो काम होगा वो पहले सारे कंप्लीट कर लूँगा। तो गाइस अभी हम आ गए हैं 4th फ्लोर पर, आई थिंक हमारे क्लास के सेक्शन की P2 की क्लास चल रही है 407 में, एंड जाके देखता हूँ मैं कौन कौन है उसमें। गाइस अभी मेरी फ्रेंड से बात हुई थी, मैं पता चला था कि पीसी सर 3rd फ्लोर पर, बस उतर के जा रहा हूँ मैं, एंड देन सर का काम बस पूरा कर लूँगा, फिर उसके बाद मैं आप सभी को फ्रेंड से भी मिलाऊँगा अपने, और अच्छा से एक मीटअप करेंगे, और कुछ सब्सक्राइबर भी हैं उनसे भी बात करनी थी, तो सब्सक्राइबर से भी बात करने जाऊंगा। ये हमारा काम हो चुका है, अभी पीसी सर से बात करती है अटेंडेंस वगैरह के लिए, लेकर उनने फॉर्म वगैरह भरवाया है, एंड देन फॉर्म से फिलअप कर दूंगा अभी मैं ऑनलाइन ही। तो बस अभी मैं जाता हूँ या फिर फ्रेंड से मिलने जाऊँगा या फिर किसी सब्सक्राइबर से मिलने जाता हूँ। गाइस अभी आपको यहाँ बहुत शांति दिख रही होगी, क्योंकि अभी क्लासेस स्टार्ट नहीं हुई हैं सारी, क्योंकि अभी सुबह ही हो रही है, 9 बज रहे हैं, तो इसलिए अभी कोई दिख नहीं रहा है। वैसे तो अभी बहुत शांति दिख रही है, अब जब क्लासेस छूट जाती है तब ऐसा लगता है कि निकलने की जगह तक नहीं मिलती है, जब जाके लिफ्ट थोड़ी खाली मिली है, नहीं तो इतनी लिफ्ट फुल चलती थी। क्लास स्टार्ट होने में बहुत टाइम था, बहुत गर्मी लग रही थी, इसलिए मैंने अभी कोल्ड कॉफ़ी ली है, एंड देन अभी कोई लगता है मिलने आए या फिर मैं डायरेक्ट क्लास में जाऊँगा, क्योंकि बहुत गर्मी लग रही है, अनलिमिटेड यार गर्मी हो रही है यहाँ पर, और एसी कहीं के अभी चल रही हैं सिर्फ क्लास के अलावा, क्लास में भी हम जा नहीं सकते क्योंकि भाई टाइम से थोड़ा पहले आ गए हैं। गाइस अभी हम एक अपने सब्सक्राइबर से मिलने जा रहे हैं, वो सिर्फ हॉस्टल के शायद बालकनी तक आएगा पता नहीं क्यों, बट हम जा रहे हैं उससे मिलने, अभी थोड़ी देर में दिखाता हूँ मैं आपको। मैं पहली बार ही उससे मिल रहा हूँ, क्योंकि वो हॉस्टल में मैं उधर साइड हूँ, मैं कॉलेज भी आज फर्स्ट डे आया हूँ, इसलिए पहली बार ही मिल रहा हूँ उससे, बस उससे मिलते हैं एंड देन अपनी क्लास के लिए जाते हैं। हमारा हॉस्टल जिसका आपने रिव्यू पहले ही देख लिया होगा, अगर उसका रिव्यू नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक डाल दूंगा, आप देख लेना जाकर। जी है हमारे हॉस्टल की पार्किंग, और जो मेरा सब्सक्राइबर था बस वो ऊपर ही खड़ा है, मैं दिखाता हूँ जूम करके, ये रहा हमारा सब्सक्राइबर। हम मिल लिए अपने सब्सक्राइबर से, एंड देन अब अपनी क्लास में जाते हैं। अच्छा लगा बहुत, पहली बार किसी अपने सब्सक्राइबर से मिल रहा हूँ मैं जाके, वैसे फर्स्ट सब्सक्राइबर था मिलने के लिए, इसलिए मैं इससे मिलने गया था, बट अब जो भी होगा मैं या तो कैफेटेरिया में बुला लिया करूँगा या फिर कहीं और, बट हाँ ऐसे किसी के जाना मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि अब मैं भी जाता हूँ अपने संग सबको लेके जाता हूँ, फिर इसलिए ज़्यादा मुझे अच्छा नहीं लगता, या फिर कहीं मिलूँगा तो पर्सनली मिल जाऊँगा, ऐसा वो कोई बात नहीं है। हाँ तो भाई तुम कुछ कहना चाहोगे मेरे यहाँ? जी तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अपने काफ़ी भाई जो हैं बहुत मेहनत करते हैं ब्लॉग में, और ये बहुत शिद्दत से बनाते हैं, आप लोग के लिए फ़नी वीडियोज़ भी बनाते हैं, तो आप प्लीज़ इनके चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कॉमेंट करें और ज़रूर शेयर करें। थैंक यू ब्रदर। मैं आपको अपनी लैब दिखाता हूँ हमारी कैसे चल रही है। जी हमारी लैब चल रही है पूरी, कंप्यूटर किसी के भी ऑन नहीं है, पर सब ठलू कहीं बैठ के पंचायत लड़ा रहे हैं, जैसे ये हिमांशु ये IPL देख रहा है, ये ऐसे हमारी क्लास चल रही है। भाई लैब में एप्पल के डेस्कटॉप लगाए गए हैं जो इनविजिबल हैं, दिखते नहीं हैं, बट उसका CPU यहाँ है, ये देखो 4-5 करीब कंपाइलर खोल चुका है और एक भी इसका काम नहीं कर रहा, और इसका कीबोर्ड देखो एक बार भाई, बैक स्पेस दबाइए, पूछना काम कर।
गाइस अभी हम वी ब्लॉग में कुछ काम से आए थे, सर से बात करनी थी, हमने बात भी कर ली है एंड मैं आपको पूरा वी ब्लॉग भी दिखाता हूँ ऊपर से कि वी ब्लॉग है कैसा एंड देन सारे कुछ दिखाऊंगा। अभी तो ज़्यादा नहीं बट कल से थोड़ा दिखाना शुरू करूंगा, आज फर्स्ट डे है इसीलिए मैं ज़्यादा कुछ दिखा नहीं रहा हूँ। गाइस ये पूरा वी ब्लॉग, तो गाइस ये भी पूरा वी ब्लॉग का ही पार्ट है। ना हम सी ब्लॉग में जा रहे हैं क्योंकि अभी हमारी लैब रह गई है, वैसे उसे कंप्लीट करके हम घर जाएंगे। अभी हमारा थोड़ा सा फ्री टाइम चल रहा है तो हमने सोचा कहीं घूम लिया जाए। बस ये सारी लैब्स हैं, हम फिफ्थ फ्लोर पे हैं अभी और इसके ऊपर तो सिर्फ कुछ नहीं, टेरेस है। तो हमने सोचा कि फ्री टाइम में कुछ घूम लिया जाए, एक बार कुछ देखते हैं, अगर कुछ मिलता है तो होपफुली आपके लिए वीडियो ज़रूर लाऊंगा मैं। बट मैं सोच रहा हूँ अगर अलग अलग लाऊँ या फिर सेम लाऊँ, क्योंकि सेम लाने में ये है सारा एक संग कवर कर लूँगा, बट अलग अलग लाऊँगा तो उसमें टाइम लगेगा फिर मुझे भी। माई चेयर इज हिलिंग डुलिंग, व्हाट कैन आई डू? कैन वी नो दैट बेनिफिट्स ऑफ गलगोटिया यूनिवर्सिटी? गाइस कुछ ऐसा है सर, हमारे यहाँ चेन्नई के तो वो सिर्फ इंग्लिश इंग्लिश बोलते हैं, बट ये लोग यार इतना मजाक उड़ा रहे हैं उनका, कोई कहता है एक्सीलेंट सर, कोई कहता है गुड सर, कोई कहता है कुछ कैसे हैं यार एकदम। हमने पूछा सर से व्हाट इज द बेनिफिट्स ऑफ गलगोटिया यूनिवर्सिटी, सर ने कुछ बताया ही नहीं। क्लास जस्ट खत्म हुई है और हम जा रहे हैं लंच के लिए, आप सभी से वहाँ जहाँ लंच मिलता है खाने के लिए परेशान होते हुए ये सब लोग, इनका भी खाना अब तक नहीं आया है, पता नहीं पीजी वालों ने क्या लेट कर दिया है, सब लगे पड़े हैं खाने के लिए बट कभी खाना ही नहीं आया है, और वो बेचारा बाहर खड़ा है जिससे जिससे टिफिन आए वो सबसे पहले ले सके। हिमांशु भाई कुछ कहना चाहते हैं? खाना नहीं आया, इतनी मेहनत से लंच ले जाते हुए सब जा रहे हैं और पता नहीं कहाँ लेके जा रहे हैं खाने के लिए। ये सब लोगों का खाना आ चुका है और ये पता नहीं कहाँ लेके आए हैं गलगोटिया के बिल्कुल एंड में खाना खाने के लिए। खाना खाने के बाद मिलते हैं, 1:30 बजे से हमारी क्लासेस हैं एंड उसमें जाके ज्वाइन करेंगे। भाई जब हमारा लंच हो चुका है अब हम जा रहे हैं क्लास में, क्योंकि क्लास 1:30 बजे की है तो हमें लेना जरूरी है, बस हम थोड़ी देर में क्लास में पहुंच जाएंगे। ये ब्लॉक में रखा है सस्ती फरारी का इंजन जो आज तक किसी के काम नहीं आया है। हमारी गलगोटिया की खास बात है हम तीनों के अलावा इस गलगोटिया में सिंगल आपको कोई नहीं मिलेगा, ये दिखा देता हूँ कि क्यों नहीं मिलेगा, एक बार मैं पीछे देखिए। लिफ्ट काम कर रही थी, मैं हो चुका हूँ लेट, क्योंकि 11:30 क्लास थी, 11:45 हो गया, देखते हैं क्या होता है क्लास में जाकर, कुछ पता भी नहीं है, शायद यही मेरी क्लास है क्या, आई डोंट नो, मैं फिर क्लास भी नंबर भूल गया दिल्ली में। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये? गाइस थैंक टू गॉड मैम ने कुछ कही नहीं, मैं थोड़ा सा लेट हो गया था, मैं आपको दिखाता हूँ क्लास चल रही है। अंजल कहाँ से बैग लेके आ रहा है, बेचारा यहाँ बैठा था और वहाँ से बैग लेके आ रहा है, इसलो ये लोग उसे इतना परेशान करते हैं कुछ कह रहे कि नहीं, बेचारा कुछ कहता ही नहीं है यार वो। प्रांजल तेरी साइड हूँ मैं। तो गाइस अभी हमारी क्लास खत्म हो चुकी है और आप भी यहाँ का मौसम देखो कितना बढ़िया हो रहा है, धूप भी निकल रही है, बारिश भी हो रही है। गाइस आज के दिन में सिर्फ कुछ इतना ही था, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, यहाँ पे कहीं पेज आ रहा होगा जिससे मैं सारी स्टोरीज पे अपडेट करता रहता हूँ, मैं कहाँ हूँ कैसे हूँ वगैरह। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्ण।